हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्पाइसेस। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट रवा डोसा। तो इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बस जब भी मन हो तब बनाइए और खाइए। फटाफट से ये बनकर रेडी हो जाता है और फटाफट से आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से इंस्टेंट रवा डोसा बनाने के लिए आपको पहले से दाल को भिगोना नहीं पड़ता, उनका पेस्ट बनाकर रेडी नहीं करना पड़ता है। बस कुछ चीज़ें लीजिए और फटाफट से आपका इंस्टेंट डोसा बनकर रेडी हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ कप सूजी, हाफ कप चावल का आटा और 2 टेबल स्पून मैदा। तो इन तीनों चीज़ों से हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा डोसा का। तो इसमें डालने के लिए हमें चाहिए होगा 2 से 3 हरी मिर्च, जिसे कि मैंने बारीक कट कर लिया है। एक छोटा प्याज लिया है, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, फाइन चॉप कर लिया है। और इसी के साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता, जिसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसे ग्रेट कर लिया है। और मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है ब्लैक पेपर पाउडर। तो 3/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर हम डोसा के बैटर में ऐड करेंगे। और 1/2 टीस्पून जीरा लिया है मैंने, और सॉल्ट लिया है। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तो अब हम डोसा का बैटर रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सूजी डाल रही हूँ, चावल का आटा और जो मैदा हमने ली है वो मैं ऐड कर दूंगी इसमें। तो एक बड़ा बर्तन लें ताकि मिक्सिंग इजीली कर पाएं आप उसमें। अब इसका पतला बैटर रेडी कर लेंगे हम। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी। तो मिक्स कर लेंगे इन सबको अच्छे से। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि बर्तन बड़ा यूज़ में लें, क्योंकि हम इसे अभी और पतला करने वाले हैं, थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। तो बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि इजीली इसका जो बैटर है वो आ जाए। तो इसे पहले मैं ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ, पानी और ऐड नहीं कर रही हूँ, ताकि इसमें लम्स ना रहे बिल्कुल भी। तो इसे मिक्स कर लिया है मैंने, अभी ये बहुत गाढ़ा है तो मैं इसमें 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। अभी भी मुझे ये थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है, तो इसमें मैं 1/2 कप पानी और ऐड करने वाली हूँ। तो इसका जो बैटर है वो बिल्कुल पानी जैसा बनकर रेडी होता है, बिल्कुल पतला इसका बैटर करना होता है, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो 1/2 कप पानी और ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पानी जैसा हो गया है, ये इतना पतला हमें इसे रेडी करना है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर रही हूँ इसमें। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, प्याज इसमें ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, ये बिना प्याज के भी बनकर रेडी हो जाता है। लेकिन मुझे डोसा में प्याज अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, हरा धनिया पत्ता और ये जो मैंने ग्रेट किया हुआ जिंजर रखा है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो मसाले डाले हैं हमने वो मिक्स हो जाए बैटर में। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से इंस्टेंट रवा डोसा का जो बैटर है वो रेडी हो गया है। तो आपका जब भी मन हो खाने का, फटाफट से घोल रेडी कीजिए और डोसा बनाकर रेडी कर लीजिए। आपको पहले से कुछ भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, तो कम टाइम में बनकर रेडी होने वाली रेसिपी है ये। जिन लोगों के पास में टाइम नहीं है और जो लोग इस तरीके की रेसिपीज खाना पसंद करते हैं, तो वो ट्राई कर सकते हैं इसे। आप इस डोसे को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं, जब भी आपका मन हो तब बनाएं और खाएं। और सबसे अच्छी चीज़ है इस डोसा की, ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं और टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी, ताकि जो हमने इसमें सूजी और आटा वगैरह डाला है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद में हम डोसा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन को गैस पर रख दिया है, नॉनस्टिक पैन को, और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ और इसे एक कपड़े की हेल्प से सब तरफ से अच्छे से पोंछ देंगे, ताकि ये सब तरफ से चिकना हो जाए और इसके कॉर्नर्स को भी आप अच्छे से पोंछ दें। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं बैटर को रेस्ट करवाते हुए, अब हम डोसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप जब भी इस बैटर डोसा बनाना स्टार्ट करें, तब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, हिला लें अच्छे से, क्योंकि जैसा कि हमने इसमें पानी बहुत सारा डाला है तो जो सूजी है वो नीचे बैठ जाती है, इसलिए आप हमेशा इसे जब भी डालें तब मिक्स करके डालें।
तो इसके लिए आपको एक बड़ा स्पून लेना है जो गहरा हो, ताकि अच्छे से बैटर उसमें फिल हो जाए। और इस तरीके से बस आपको इसे फैलाते जाना है, एकदम पानी की तरह गिरता जाएगा ये सब तरफ। जहाँ जहाँ आपको स्पेस दिख रहा है वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाए। एक साथ एक ही जगह पर बहुत सारा नहीं डालना है, वरना इसमें जालियाँ नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इस पे जाली बनी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और इसकी एजेस में भी हम अच्छे से ऑयल डाल देंगे। तो इंस्टेंट डोसा में आपको थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रंची अच्छे लगते हैं, तो ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो अच्छे क्रंची बनकर रेडी होंगे ये। तो गैस का फ्लेम आपको तेज़ रखना है, और जैसे ही ये सिक जाएगा तब ये अपने आप इसकी जो एजेस हैं वो ऊपर हो जाती हैं और ये ब्राउन दिखने लग जाता है बीच में से। तो अभी ये ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसे पलट दूंगी, तो थोड़ा सा केयरफुली इसे पलटे। तो इसे मैं पलट दूंगी और बहुत ईजीली ये पलटने में आ जाता है। देखिए कितना आराम से ये पलटने में आ गया है। तो अब हम इसी तरीके से इसे दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इस पे, कितनी अच्छे से जाली बनकर रेडी हुई है। तो देखा आपने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये डोसा बनकर रेडी हो गया है। और आप जो इसमें जाली देख रहे हैं, आप जब बैटर को डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा दूर करके डालेंगे, तभी इस तरीके से जाली बनेगी। अगर आप एक ही जगह पर बहुत सारा बैटर डाल देंगे तो फिर परफेक्टली जाली नहीं बनेगी। तो इसे हमें दूसरी साइड से ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, सिर्फ 30 सेकेंड के लिए सेकना है। तो 30 सेकेंड हो चुके हैं, अब मैं इसे टर्न कर दूंगी और इस तरीके से इसे फोल्ड करके और इसे निकाल लेंगे हम और सर्व कर देंगे एक प्लेट में। तो इस तरीके से हम बाकी के डोसे भी बना लेंगे। तो इसे मैं वापस से गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ। अगर आप इसे गीले कपड़े से नहीं पोंछेंगे तो आपके जो डोसे हैं वो परफेक्टली बनकर रेडी नहीं होंगे। तो अब वापस से बैटर को डालने से पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसे डाल रही हूँ, इसको फैला फैला के डालना है और इससे अच्छे से जाली बन जाती है हमारे डोसे में। और इसे डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ। तो इंस्टेंट डोसा बनाने में आप हमेशा बारीक सूजी यूज में लें। अगर आप मोटी सूजी यूज में लेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा डोसे का। अगर आप मोटी सूजी यूज में लेंगे तो फिर वो सॉफ्ट नहीं होती है, और आप जब इसे खाते हैं तो फिर उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। तो हमेशा बारीक सूजी ही यूज में लें जब भी इस तरीके से इंस्टेंट डोसा बनाएं। और इस डोसा को आप हमेशा नॉन स्टिक पैन में ही बनाएं, नॉन स्टिक पैन के अलावा ये नहीं बनेगा किसी और तवे में। तो ये जब तक एक साइड से अच्छे से सिक ना जाए तब तक आप इसे टर्न ना करें। अगर आप इसे पहले ही टर्न कर देंगे तो ये टूट जाएगा। तो इसे थोड़ा सा केयरफुली टर्न करें और ये जब अच्छे से ब्राउन हो जाए, ब्राउन दिखने लगे तब आप इसे टर्न करें। तो इस तरीके से मैंने दूसरा डोसा भी रेडी कर लिया है, अब मैं इसे भी सर्व कर दूंगी प्लेट में। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा इंस्टेंट रवा डोसा बनकर रेडी है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा जालीदार बना है और काफ़ी क्रिस्पी बनता है ये। तो इसे मैंने यहाँ पर मूंगफली की चटनी के साथ में सर्व किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे बनाई है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आप इसे चाहें तो टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, कोकोनट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या सांभर के साथ में सर्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे ऐसे ही प्लेन भी खा सकते हैं, ये वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान था इसे बनाना, और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर रेडी हो गया है। तो आज का वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।